कपूर हटेला, तुम दोनों मेरे घर पे क्या करने आए हो? ये क्या सरपंच जी, ना हाय ना हेलो, हमने तो सुना था कि आप अतिथि का बहुत स्वागत करते हैं। सही कहा टिंकू, मगर ये तो हमसे चाय नाश्ता पूछने के बजाय हमें ऐसे देख रहे हैं जैसे कि इनके घर में कोई चोर घुस आया है। सारा गांव जानता है कि तुम दोनों एक नंबर के छिछोरे आवारा निकम्मे व्यक्ति हो, तो तुम्हें देखकर क्या मैं चौंकूंगा नहीं? तुम्हें क्या लगा तुम्हें यहाँ देखकर मैं फूल माला लेकर तुम्हारा स्वागत करूंगा? हमें आपसे बहुत जरूरी बात करनी है। लेकिन मुझे तुम दोनों से कोई बात नहीं करनी, सीधी तरह से बाहर का रास्ता नापो, नहीं तो मैं तुम्हें धक्के मार के बाहर निकाल दूंगा। बस बहुत हो गया सरपंच, तुम हमारा अपमान कर रहे हो। अपमान? अपमान तो उसका किया जाता है जिसका कोई सम्मान होता है। हमारी एक बार बात तो सुन लो सरपंच जी, हम अपनी बात पूरी करके यहाँ से चले जाएंगे। जल्दी बोलो, क्या बकवास करना चाहते हो तुम दोनों? आप तो जानते ही हैं कि हम दोनों अभी तक कुवारे हैं। ये तो सभी जानते हैं, और ये भी कि तुम दोनों जीवन भर कुवारे ही रहोगे। भला तुम्हारे जैसे निकम्मे और निठल्ले लड़कों से कौन ही लड़की ब्याह करेगी? तुमसे शादी करके वो अपनी जिंदगी बर्बाद क्यों करेगी? अरे तुम्हारे घर में तुम्हारी बेटी बिंदिया रहती है ना, हम चाहते हैं कि तुम अपनी बिंदिया का विवाह हम में से किसी एक से कर दो। ओ फटे हुए जूते, ढीला दिमाग लेकर घूम रहा है क्या? किससे क्या बात करनी चाहिए भूल गया है? क्या जानता नहीं मेरी बिंदिया पहले से ही विवाहित है, और सुन अगर नहीं भी होती ना तो भी तुम दोनों से नहीं करवाता, समझे? चाहे वो जिंदगी भर कुवारी घर पर क्यों ना बैठी रहती। अब निकल जाओ यहाँ से, वरना ऐसे बदनाम करूंगा पूरे गाँव में मुंह दिखाने लायक नहीं रहोगे। अब चलो रास्ता नापो, निकल जाओ यहाँ से। ये बुढ़ाऊ अपने आप को समझता क्या है? अरे इसका घर जमाई दामाद तो इसे छोड़कर ना जाने कब का भाग गया। हम तो इसकी भलाई के लिए इसके घर गए थे, सोचा था कि हम दोनों में से किसी एक की तो शादी हो जाती। बिल्कुल सही कहा तूने टिंकू, अगर बुढ़ाऊ मोमबत्ती लेकर भी हमारे जैसा दामाद ढूंढेगा ना, तब भी उसको हमारे जैसा दामाद नहीं मिलेगा। लेकिन मैं उसे छोड़ूंगा नहीं, आज से पहले इतनी बेइज्जती हमारी किसी ने नहीं की। नहीं भाई, थोड़ा याद कर, पिछले हफ्ते इससे भी ज्यादा बुरी वाली हुई थी, वो तो आज तक की सबसे बुरी वाली बेइज्जती थी। चुप कर, मजा आ जाता अगर कोई उस सरपंच के बच्चे को सबक सिखा देता तो, मान जाऊंगा भाई उसको। लेकिन ये भी नहीं होगा, देख लियो भला कौन इन लोगों से दुश्मनी मोल लेगा। अरे भाई इधर कोई नहीं है, तू चल अब घर, किसको सुना रहा है तू? तुझे क्या लग रहा है कोई हमारी बात सुन रहा है क्या? जिसे तू ये सब बता रहा है, जो तेरे जानने के बाद उससे हमारी बेइज्जती का बदला लेगा, मुझे नहीं लगता कि किसी में इतनी हिम्मत होगी कि सरपंच से दुश्मनी मोल ले। समझा, हम चाह कर भी उसका कुछ नहीं कर सकते, गांव में सबसे ज्यादा अमीर है वो, वैसे भी गांव के सभी लोग उसके आगे पीछे घूमते रहते, और हमें तो कोई पूछता तक नहीं है। तू बिल्कुल सही बोल रहा है हटेला, मैं तो भूल ही गया था, वैसे भी हम दोनों पैसों के लालच में ही तो उसका दामाद बनने चाह रहे थे। अगर गांव वालों को ये सब पता लग गया कि हम दोनों सरपंच के घर में गए थे, तो वो हमारी सब जगह बहुत बुरी बेइज्जती करवा देगा, और खुद की इतनी बेइज्जती मुझसे बर्दाश्त नहीं होगी। वैसे भी कोई अपनी बेटी देने को तैयार नहीं, इसके बाद कहीं मुंह दिखाने के लायक नहीं रहेंगे हम दोनों। इसलिए कह रहा हूँ भूल जा और घर चल। याद है पिछली बार हम दोनों ने सुखिया चाचा की बेटी से मुस्कुराकर बात क्या कर ली, तो सुखिया चाचा ने हम दोनों को कैसे कुत्ते की तरह पीटा था। हमारी भलाई इसी में है कि हम चुप रहें। लगता है इन दोनों को हमारी ताकत का आइडिया नहीं है। हाँ भूत बॉस, आपको बड़े हल्के में ले रही है दोनों। भूत बॉस तैयार हो जाइए और जाकर उस सरपंच को सबक सिखा दीजिए। जाइए भूत बॉस, जाइए, ऑल द वेरी बेस्ट। हम नहीं जाएंगे, बल्कि हमारी जगह कोई और जाएगा।
भला तुम लोगों के होते हुए हम क्यों कष्ट करें? अब बताओ तुम दोनों में से कौन जाएगा, आपस में फैसला कर लो। ये किस मुसीबत में पड़ गए हम दोनों, ये इंसान बहुत मारते हैं यार, बात बात पे मंत्र पढ़ने लगते हैं। पिछले बार मंत्र पढ़ के राख मेरे ऊपर डाल दी थी, मेरी स्किन खराब हो गई थी, तू सोच भी नहीं सकता, इसलिए मैं तो नहीं जाऊंगा। हाँ भाई मुझे भी नहीं जाना, पिछली बार भोलो को कैसे दौड़ा दौड़ा कर पीट रहे थे, मैं तो ऊपर से नीचे तक पूरा हिल गया था भाई। आइडिया? कैसा आइडिया? अरे क्यों ना भोलू को भेजें, भूत बॉस से कहेंगे कि उसे भेजें ताकि थोड़ा बहुत भूतगिरी सीख सके, देखना ये सुनके भूत बॉस उसे भेजने के लिए मान जाएंगे। अरे वाह वाह, हाँ सही बोला भूत भाई, उसी को भेजते हैं, चल भूत बॉस को बोलते हैं उसे भेजने के लिए। भूत बॉस? अच्छा तो सोच लिया तुम दोनों ने, अब बताओ कौन जाने वाला है। भूत बॉस मैं क्या कह रहा था कि क्यों ना हम भोलू भूत को भेजें, ऐसे कब तक यहाँ बैठ बैठ कर वो आराम फरमाता रहेगा, उसे भी तो जानना चाहिए कि इंसानों को कैसे डराते हैं, कब तक यहाँ हम सबके पीठ पीछे छुपता रहेगा, उसका भी सीखना बहुत जरूरी है। भूत बॉस हमारी बात मानिए, उसे ही भेजना सही रहेगा। बात तो तुम सही कर रहे हो। अब आएगा मजा। क्या हुआ, नींद पूरी नहीं हुई क्या? रात भर सोया नहीं था भूत बॉस, इसलिए आंख लग गई थी। मूर्ख, भूत रात में नहीं सोते, ये बात मैं तुझे समझा समझा कर तंग आ चुका हूँ। सॉरी बॉस, सॉरी भूत बॉस, मैं भूल गया। सुनो भोलू, तुम्हें एक काम करना है, सरपंच के पास जाकर उसे सबक सिखाना है। तुम एक काम करो, तुम उसके दामाद के रूप में उसे धोखा दो, उसकी बेटी पर अत्याचार करो और हर वो काम करो जो भूत करते हैं। बेचारा सरपंच तो वैसे ही परेशान रहता है, भला इससे आपको क्या मिलेगा भूत बॉस? बस भोलू, बहुत हो गया, तुमसे जितना कहा गया है उतना ही करो। हमारा काम केवल इंसानों को परेशान करना, उन्हें डराना और मारना है, इसीलिए तुम फालतू के सवाल मत करो और इस बार कोई मिस स्ट्राइक ना हो। अरे वाह, कितना मस्त मौसम है और इस मोटे भूत बॉस ने क्या घटिया काम सौंप दिया। भूत बनने के बाद भला कौन इन इंसानों की बंदिशों में दोबारा जाना चाहेगा, लेकिन चलो देखते हैं क्या करें। आइडिया? अरे दामाद जी, आप कहाँ चले गए थे, हमने आपको कहाँ कहाँ नहीं ढूंढा। यही सही मौका है, कुछ ऐसा करता हूँ कि ये सरपंच मुझे अभी धक्के देकर घर से बाहर निकाल दे, जो मैं करना चाहता हूँ वो करने का मन तो नहीं कर रहा, लेकिन इनकी भलाई के लिए तो करना ही पड़ेगा। आपको क्या हो गया है कि क्या कर रहे हैं, इतने सालों बाद तो आप घर आए और ऊपर से आपने पिताजी के गाल पर थप्पड़ मार दिया। अरे दामाद जी धन्यवाद कि आपने मेरे गाल पर थप्पड़ मार दिया। ये क्या कह रहे हैं आप, मैंने तो आपके गाल पर थप्पड़ मारा है, आपको तो मुझ पर क्रोधित होना चाहिए, बल्कि मैं तो कहता हूँ मुझे धक्के देकर घर से बाहर निकाल देना चाहिए। पुश मी आउट ससुर जी, पुश मी आउट। मन मेरा यही कर रहा था दामाद जी, लेकिन आपको पता नहीं आपके जाने के बाद मेरी गर्दन में मोच आ गई थी, बड़े बड़े हकीम और डॉक्टर से मैंने इलाज कराया लेकिन ठीक ही नहीं हुई, आपके एक थप्पड़ ने मेरी गर्दन की मोच सही कर दी। और मैंने भी आपको बुरा भला बोल दिया, मुझे माफ कर दीजिए, आप हाथ मुंह धो लीजिए, मैं आपके लिए भोजन लगाती हूँ। अच्छा किया दामाद जी आप आ गए, इतना बड़ा कारोबार मुझे स्वयं देखना पड़ रहा था, अब आप आ गए हैं तो अपना कारोबार संभालिए। कारोबार? कौन सा कारोबार? दामाद जी लगता है आप भूल गए, हमारी लड़कियों की बहुत बड़ी टाल है। क्या बोला आपने, किसकी टाल है?
क्षमा कीजिए दामाद जी, मेरा मतलब लकड़ियों की बहुत बड़ी टाल है, आसपास के गांव में हम ही लकड़ी सप्लाई करते हैं। मैं ये मुझसे क्या हो गया, मैंने तो सोचा था कि ये मुझे घर से बाहर निकाल देंगे, मगर इनकी तो मौत ही सही हो गई। चलो कोई बात नहीं, कोई दूसरा उपाय ढूंढना होगा। अरे मोहन, तुम अपने कुबड़े काका को नहीं पहचाने क्या? कुबड़ा काका, भला ये कैसा नाम है? वो क्या है ना कि मेरी पीठ पर कुबड़ा निकला हुआ है और मैं हमेशा झुक कर चलता हूँ, इसलिए गांव वाले मुझे कुबड़ा काका कहकर बुलाते हैं। आपको देखकर मुझे बहुत ज्यादा खुशी हो रही है। मोहन जी, आपको सरपंच जी ने कहाँ कहाँ नहीं ढूंढा। वो तो सब ठीक है, लेकिन तुम हो कौन? अरे अरे, तुम मुझे भूल गए क्या? मैं सरपंच जी का सबसे वफादार नौकर हूँ। जब आप सब कुछ छोड़कर चले गए थे, तब मैंने ही सरपंच जी के कारोबार को संभाला है। यही मौका है, लगता है ये सरपंच जी का सबसे प्रिय और वफादार नौकर है, क्यों ना मैं इसे पीट दूं। मन तो नहीं कर रहा, लेकिन ऐसा करना ही पड़ेगा। तुम एक नौकर हो और तुम्हें अपने मालिक से बात करने की जरा से भी तमीज नहीं, कुबड़े कहीं के। ये आपने सही नहीं किया मोहन जी, मैं इसकी शिकायत सरपंच जी से करूंगा। हाँ हाँ, जा कुबड़ा कहीं का, बोल तो ऐसे रहा है जैसे कि सरपंच जी पता नहीं मेरा क्या कर लेंगे। चल निकल यहाँ से, आज से तुझे यहाँ पर काम करने की कोई जरूरत नहीं। सरपंच जी के चेहरे से ही क्रोध झलक रहा है, लगता है कि अब ये मुझे धक्के देकर यहाँ से बाहर निकाल देंगे। मोहन, क्या तुमने इनके गाल पर थप्पड़ मारा? सिर्फ एक थप्पड़ नहीं, बल्कि 4-5 थप्पड़ मारे, और तो और मैंने इसे काम से धक्के देकर बाहर निकाल दिया। ये तुमने बहुत अच्छा काम किया। अच्छा काम किया? क्या कहना चाहते हैं आप? आपको तो मुझ पर गुस्सा आना चाहिए, मैंने आपके वफादार नौकर को इतनी बुरी तरह से पीटा। तुम्हारे पिटाई खाने के बाद ही इसको अकल आई दामाद जी। दरअसल यहाँ ये काफी सालों से पैसों की हेरा फेरी कर रहा था, लेकिन जब तुमने इसे पीट कर काम से बाहर निकाल दिया तो यहाँ ये रोते हुए मेरे पास आया और इसने सारी बात बता दी। अगर तुम इसे नहीं मारते तो ये कुछ ही सालों में सारा कारोबार चौपट कर देता। आपके कदम कितने शुभ हैं जी। आखिर ये सब कुछ क्या हो रहा है? मैं कोई भी काम उल्टा कर रहा हूँ, मगर वो सीधा हो जा रहा है, कुछ और ही उपाय सोचना पड़ेगा। मैं काफी समय से देख रहा हूँ, ये कांच का मर्तबान यहाँ पर ऐसा ही रखा हुआ है, ये देखने में तो काफी पुराना मालूम होता है, क्या है इसमें? इस कांच के मर्तबान को छूने की भी कोशिश मत करना मोहन, ये हमारे पूर्वजों की निशानी है। मेरे पूर्वज पीढ़ी दर पीढ़ी यही बताते आए हैं कि जो भी इस कांच के मर्तबान को छुएगा तो उसको बहुत बड़ा अशुभ हो जाएगा। मेरा क्या अशुभ होगा, मैं तो पहले से ही भूत हूँ, क्यों ना मैं इस कांच के मर्तबान को तोड़ दूं, तब तो ये मुझे पक्का धक्के देकर घर से बाहर ही निकाल देंगे। अरे ये क्या किया तुमने, मेरा खानदानी कांच का मर्तबान तुमने तोड़ दिया, मेरे पूर्वजों की निशानी थी ये। मोहन, तुम तो वाकई बहुत ही शुभ साबित हो रहे हो। अब क्या हुआ, अब तो आपको मुझे घर से बाहर निकाल देना चाहिए। आखिर तुम मुझसे खुद को बार बार घर से बाहर निकालने के लिए क्यों बोल रहे हो मोहन? तुमने जैसे ही इस मर्तबान में लात मारी, इसमें से हीरे निकल आए, और इसका मतलब मेरे पूर्वज झूठ बोल रहे थे, वो नहीं चाहते थे कि उनके हीरो को कोई भी हाथ लगाए, और मैं बैठे ही बैठे और ज्यादा धन्यवान हो गया। कौन हो तुम? मैं मोहन हूँ। अगर तुम मोहन हो
तो फिर ये कौन है? सरपंच जी, मैं भी असली मोहन को देखकर धोखा खा गया था। मुझे भी कुछ दिनों पहले ही पता लगा कि आपका दामाद मोहन वापस आ गया है, लेकिन कल जब मैं शहर से वापस आ रहा था तब असली मोहन मुझे रास्ते में मिला। मैं समझ गया कि आपके घर में कोई बहरूपिया ठहरा हुआ है। अजी, आप इतने दिन से कहाँ थे और मैं कैसे विश्वास करूँ कि आप ही असली मोहन हो? मेरा रास्ते में एक एक्सीडेंट हो गया था और मैं बुरी तरह घायल हो गया था। गांव वालों ने मेरा इलाज कराया। स्वस्थ होने के बाद मैं सीधा गांव ही आ रहा था। रास्ते में मुझे गांव के हवलदार जी मिल गए। ये जो तुम्हारे सामने मोहन खड़ा हुआ है, ये एक बहरूपिया है। इससे पूछो कि मैं तुम्हें प्रेम से क्या बुलाता हूँ। बताइए जी, आप मुझे प्यार से क्या बुलाते हैं? अजी, इतना समय क्यों लगा रहे हैं आप? क्या आपको कुछ भी याद नहीं? इसे याद तो तब होगा जब ये असली मोहन होगा। बिंदिया, इसे ये नहीं मालूम कि मैं तुम्हें प्यार से बिंदु बुलाता हूँ। देखते क्या हो हवलदार, पीट पीट कर बुरी हालत कर दो इस बहरूपिये की और ले जाकर बंद कर दो काल कोठरी में। यहाँ से भागने में ही भलाई है भोलू, नहीं तो ये तुझे पीट पीट कर मार डालेंगे। ओफो, मैं भी क्या बोल रहा हूँ, मैं तो पहले से ही मरा हुआ हूँ। अरे ये तो भूत था, इसका मतलब मेरे घर में इतने दिनों से भूत रह रहा था। जाइए पिताजी, जाकर तुरंत पंडित जी को बुलाकर लाइए, हमें अपने घर में पूजा करवानी होगी। मैं तो आपसे पहले ही कह रहा था भूत बॉस, इससे कुछ नहीं होने वाला। समझ नहीं आता कि इसका क्या करूं, इसने फिर से भूत बिरादरी का नाम बदनाम कर दिया। इतना सा काम इससे नहीं हुआ। सही कह रहे हो भूत बॉस, यहाँ तो मार खाकर ऐसे आ रहा है जैसे कि यहाँ कोई इंसान हो। लेकिन आप चिंता मत करो, आने वाले कल में हम इसे अपने जैसा बनाकर ही छोड़ेंगे। मम्मी, इन इंसान के बच्चों ने मार मार कर चपटा कर दिया, सारा शेप सारा साइज ही बिगाड़ कर रख दिया है भैया। अब भूल कर भी ये इंसान बनने की भूल नहीं करूंगा।